आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डर की जो हमको अक्सर होता है जब हम इंग्लिश किसी के सामने बोलते हैं, खासकर जब अनजान इंसान के सामने बोलते हैं तो हमको ये डर जरूर आते हैं। कहीं वर्ड्स जो हमने पढ़े थे वो हमको याद नहीं आते, कहीं हमसे सेंटेंस नहीं फॉर्मेट होते हैं, थॉट्स नहीं आते हैं, थॉट्स आने रुक जाते हैं एंड पैर कांपने लगते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हेजिटेशन आ जाती है एंड बहुत सा हमको वहां पे लो कॉन्फिडेंस फील करना पड़ता है एंड पसीना आ जाता है, पसीने छूट जाते हैं एंड हम लोगों की जबान जो है वो कांपने लगती है कि हम आगे क्या बोलें, थॉट्स आने हो जाते हैं बंद। अब ऐसा क्यों होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है कि हम लोगों को जब बोला जाता है कि बात करो अकेले में तो हम लोग इजिली बोल लेते हैं, क्यों ऐसा क्यों? अपने फ्रेंड्स के साथ में हम लोग इजिली बोल लेते हैं, कंफर्टेबल होके, ऐसा क्यों? अगर इंग्लिश किसी को कम आती है उसके सामने हम इंग्लिश बोल लेते हैं, ऐसा क्यों? बट अगर हमसे ज्यादा किसी को इंग्लिश आती है या नए लोग मिल जाते हैं या थोड़ा अच्छे लोगों से बात करनी है तो हमारी इंग्लिश डाउन क्यों हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस नीचे क्यों हो जाता है? ऐसा जानने की कोशिश की है कभी? तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि सामने वाला बंदा बहुत अच्छी इंग्लिश जानता है एंड मैं इंग्लिश कुछ नहीं जानता हूँ। क्योंकि जब हम लोग किसी से फ्रेंडली हैं एंड फ्रेंड के साथ में बात करते हैं या किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वहां पे हम लोग उससे इसलिए बात कर लेते हैं क्योंकि वहां पे हमको एक डर नहीं होता है। कैसा डर? वहां पे डर ये नहीं होता है कि हमको वहां पे ये नहीं महसूस हो पाता कि यार अगर यहाँ पे गलत हुआ तो यहाँ पे बेइज्जती हो जाएगी। वहां पे डर इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे पता है फ्रेंड, तुम चाहे फ्रेंड के सामने जितना आप लोग बोल लो इंग्लिश, फ्रेंड कभी गौर करेंगे नहीं, वो कभी गलती नहीं निकालेंगे, वो जस्ट एंजॉय करेंगे, यार बोल रहा है बोलने दो, ठीक थोड़ी बार शांत हो जाएगा। एंड जब किसी को इंग्लिश कम आती है वो गलती निकाल नहीं सकता है तो वहां पे आपके माइंड में क्या जाता है सबकॉन्शियस में कि अच्छा यहाँ पे मेरी गलती जो है रॉन्गनेस होगी वो पकड़ी नहीं जाएगी, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, आराम से बोल लेते हैं एंड वहां पे रियली आप विश्वास नहीं मानोगे, वहां पे आपकी एक भी गलती नहीं होती है, आप इजिली वहां पे बोल लेते हो। जब आप बिना डर की इंग्लिश बोलते हो तो आपकी इंग्लिश करेक्ट होती है एंड आप जान भी नहीं पाते हो। बट जैसे ही आप किसी के सामने जाते हो अनजान लोगों के साथ में, वहां पे क्या होता है, डर आ जाता है, यार अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश ना बोल पाया तो क्या होगा, अगर इन लोगों ने गलती पकड़ ली, कुछ गलत निकल गया, तो ये सब डर जो आ जाते हैं तो सारे माइंड पे हावी हो जाते हैं। एंड जब सारे लोग हावी हो जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि माइंड ओपनली किसी के सामने वो चीज अपने थॉट्स ना रख नहीं पाएगा। अब ये थॉट्स, डर आए कैसे कि मैं वर्ड्स नहीं आते, थॉट्स नहीं आता, स्टक हो जाता हूँ, पैर हिलने लगते हैं, जबान कांपने लगती है या फिर हम लोग किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं, पसीना आ जाता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को यही नहीं पता कि लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। अब लैंग्वेज का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, उर्दू हो, फारसी हो, चाइनीज हो, जापान हो, जर्मनी हो, वॉट एवर कोई भी लैंग्वेज हो, हम लोग सबकी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज का मेन मोटिव होता है कि आप अपने थॉट्स, इमोशन, फीलिंग एंड इन्फॉर्मेशन जो आप किसी को कन्वे करना चाहते हो वो इजिली कन्वे कर सको एंड सामने वाला इजिली उसको अंडरस्टैंड कर सके। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि जो आप बताना चाहते हो सामने वाला बंदा इजिली उसको समझ सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। बट यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोलना मतलब रॉकेट साइंस है। भाई ये रॉकेट साइंस नहीं है, यू कैन इजिली स्पीक इंग्लिश। जब आप फ्रेंड के सामने अगर बोल सकते हो, फ्रेंड के साथ में बोल सकते हो इंग्लिश, तो यार बाहरी बंदे के साथ में क्यों नहीं बोल सकते हो? और यहाँ पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि जैसे मैं देखता हूँ कि उसकी लैंग्वेज मेरे इंग्लिश के लेवल से थोड़ा ऊपर है तो यार कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे आप ये भी तो सोच सकते हो कि यार शायद उसने हमसे पहले बोलना स्टार्ट किया होगा तब उसकी लैंग्वेज आज इस लेवल पे है और मैंने देर से स्टार्ट की तब यहाँ पे है, तो इस डिफरेंस को आपको समझना होगा, ऐसा डिफरेंस क्यों है। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस लो नहीं होना है, ज्यादा से ज्यादा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ज्यादा से ज्यादा आपकी गलती होगी एंड गलती को कभी भी सुधारना नहीं है क्योंकि स्पोकन लैंग्वेज में मिस्टेक चल जाती है, रिटन में नहीं चलती एंड स्पोकन में अगर आप कोई मिस्टेक कर भी देते हो तो कोई वहां पे गौर नहीं करता है क्योंकि इजिली आदमी केवल आपको सुनना चाहता है कि व्हाट डू यू वांट टू से, आप कहना क्या चाहते हो, जो आप कहना चाहते हो इसलिए वो बंदा वो पकड़ लेगा एंड बाकी जो फर्जी बातें होती है वो एलिमिनेट कर देता है। अब वहां पे ये बहस थोड़ी करने लगा, नहीं यार ये सेंटेंस गलत है, ये नाउन आपने यहाँ पे एडजेक्टिव यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, सिंटैक्स यूज होगा, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। लैंग्वेज में केवल आपके थॉट्स लोग सुनते हैं, क्या कहना चाह रहे हो, व्हाट आपका मीन्स क्या है, व्हाट इज योर मीन्स, ये सब लोग केवल जानना चाहते हैं, बस दैट्स इट।
बाकी आपको दुनिया भर की चीजें वहां नहीं बतानी है और बाकी आपको सोचना ही नहीं है। तो ये डर आपके हावी ही नहीं होंगे अगर आप इसको एज ए लैंग्वेज लेंगे एंड आप जान जाएंगे कि लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। लैंग्वेज का मतलब होता है कि इसलिए अपने थॉट्स को किसी के सामने एक्सप्रेस कर सको। सो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड आपका डर खत्म हो जाएगा कभी भी आप अगर इंग्लिश बोलोगे। गलती होती है, होने दो, लोग हंसेंगे, हंसने दो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा लोग हंसना बंद हो जाएंगे एंड गलती जो है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको सर्वाइवल लैंग्वेज सीखनी होगी। सर्वाइवल लैंग्वेज ऐसी होती है कि इसलिए आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हो एंड उसको बोलना स्टार्ट करते हो एंड बोलने में गलती होती है, गलती होने से लोग हंसते हैं तो उससे और हम काम करते हैं तो और थोड़ी हमारी इम्प्रूवमेंट होती है एंड फिर हम ग्रामर की हेल्प लेते हैं तो हमारे जो फॉर्मेशन होती है बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं एंड फिर जो छोटी छोटी गलतियां जो हम लोग अभी करते भी है वो हमारी गलतियां खत्म हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये चीज हमने जानने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि हमारे सारे जो डर हावी हो जाते हैं पब्लिक स्पीकिंग करते समय या कहीं पे स्टेज पे बोलते समय तो ये डर नहीं आएंगे। सो गाइस दैट्स इट एंड इट्स इनफ फॉर टुडे। आपको ये कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरीके के डेली वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं और आपकी स्पोकन लैंग्वेज पे डेली इम्प्रूवमेंट कुछ ना कुछ होती रहती है। सो गाइस इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।